पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की जेलों में लगातार मिल रहे मोबाइल और हाई सिक्योरिटी सेल में बंद होने के बावजूद बंदियों के मोबाइल से वारदातें करवाने जैसे खुलासों के बाद जेल प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। अब प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा व उदयपुर जैसी बड़ी जेलों की हाई सिक्योरिटी सेल में दिन में दो बार तलाशी लेने का निर्णय किया है ताकि इन बंदियों के पास मोबाइल पकड़ा जा सके। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के पास हाल ही में मोबाइल मिला है। वह जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद था और उसके पास मोबाइल कहां से आया इसकी जांच अभी जारी है। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण कुछ समय के लिए स्थगित की गई राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों, उनके संबंधित महाविद्यालयों, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और पॉलिटेक्निकल कॉलेज की परीक्षाएं जुलाई के दूसरे सप्ताह में शुरू कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित विश्वविद्यालय और तकनीकी विश्वविद्यालय इन परीक्षाओं की तिथियों का विस्तृत कार्यक्रम जारी करेंगे। मंगलवार को उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सबसे पहले कराई जाए तथा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोविजनल रूप से अगले वर्ष में क्रमोन्नत कर दिया जाए। राजस्थान के राजस्व मंडल में लंबित मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिए मंडल प्रशासन अब तकनीक अपनाने में जुट गया है। लॉकडाउन के अनुभवों को देखते हुए मुकदमों की ऑनलाइन सुनवाई की भी कवायद चल रही है। मंडल में न्यायिक कार्यों से संबंधित कार्य घर से ही संपादित करने के लिए सिक्को बिविक्स मीटिंग ऐप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करवाई जा सकती है। इस सॉफ्टवेयर को लाइसेंस वर्जन सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग से लिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित लोगों का पंजीयन संबंधित SDM करेंगे। बीकानेर जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित जरूरतमंद परिवारों का पंजीयन 5 जून शुक्रवार तक सभी उपखंड अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के लोगों का आवश्यक रूप से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने टिड्डियों के प्रवेश को लेकर भी संबंधित अधिकारियों से कहा कि जिले की सीमा में जैसे ही टिड्डियों का प्रवेश होता है वे इनकी सूचना तत्काल दें। अंधड़ और बारिश के चलते राजस्थान के अधिकतर जिलों में फिलहाल गर्मी का प्रकोप कम हुआ है। हालांकि मंगलवार को नौतपा का आखिरी दिन था और राज्य के अधिकतर जिलों में पारा 40 डिग्री के नीचे रिकॉर्ड किया गया। राजधानी जयपुर का अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में अभी अंधड़ और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। राजस्थान पुलिस ने बढ़ती आत्महत्याओं को देखते हुए पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को पुलिस कर्मियों का तनाव दूर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। DGP सिंह ने बताया कि पुलिस में भर्ती होने के बाद कई प्रकार के तनाव रहते हैं। पुलिस में कई पाबंदियां भी होती है और संयुक्त परिवार की बजाय एकल परिवार में रहने वाले पुलिस कर्मी कई बार पारिवारिक छोटी छोटी समस्याओं के चलते तनाव में रहते हैं। नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस में मंगलवार को नई दिल्ली से एक युवक बिना टिकट चढ़ गया। उसने मास्क भी नहीं पहन रखा था और उसकी मानसिक स्थिति असामान्य नजर आई। इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया और इसकी सूचना कोटा जंक्शन को मिली तो RPF ने अपना घर आश्रम को सूचना दी। अजमेर के सरवार कस्बे में सोमवार दोपहर सब्जी मंडी की पहली मंजिल पर बनी दुकान पर बैठे एक युवक पर उसके परिचित ने फायर कर दिया। फायरिंग में जख्मी युवक को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में रेफर कर दिया गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में वारदात खरीदे गए हथियार को दिखाते हुए फायर होने से सामने आई। पुलिस वारदात की पड़ताल में जुटी है। जयपुर के परकोटा में पुलिस ने मंगलवार को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क नहीं लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के मामलों में 100 से अधिक चालान किए और वहीं DCP राजीव पचार मंगलवार को भी परकोटा में गश्त कर रहे और उन्होंने बरामदों का भी निरीक्षण किया। पचार ने बताया कि व्यापारियों ने बरामदों से सामान नहीं रखा और परकोटा में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क नहीं लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के मामलों में 100 से अधिक चालान किए। चूरू के राजगढ़ में 10 दिन पहले राजेंद्र गढ़वाल की हत्या शराब बेचने की बात को लेकर हुई। मारपीट का बदला लेने के लिए की गई थी। SOG ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को हरियाणा के भिवानी से गिरफ्तार किया है। SOG ADG अनिल पालीवाल ने हाल आरोपी और उसके भाई के खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राजस्थान के 14 जिलों में कहीं कहीं बारिश की चेतावनी दी है और साथ ही कहा है कि इस दौरान ज्यादातर इलाकों में आंधी अंधड़ भी जारी रहने की आशंका है। प्रदेश में अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान निसर्ग का भी असर दिख सकता है। इससे राज्य दक्षिणी पश्चिम पर भी होगा जिससे भारी से अति बारिश का अनुमान है।
जयपुर जंक्शन पर मंगलवार दोपहर जब स्पेशल ट्रेन मुंबई से जयपुर पहुंची तो यात्रियों की भीड़ के आगे इंतजाम नाकाफी नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो सकी। पहले दिन 834 लोग बॉम्बे सुपर से पहुंचे जयपुर, 779 यात्री मुंबई रवाना हुए। सुबह आश्रम सुपरफास्ट में अहमदाबाद से 126 यात्री आए और 93 यात्री दिल्ली गए। जयपुर से जोधपुर इंटरसिटी में 284 यात्री रवाना हुए। राजस्थान में राजस्व विभाग ने उद्योग विभाग के रिको के लिए जमीन आवंटन के अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसके अलावा पहले के आवंटन में भी असामान्य करार देते हुए म्यूटेशन पर भी रोक लगा दी है। राजस्व विभाग के इस आदेश को उद्योग विभाग ने एक तरफा करार देते हुए मामले को परीक्षण के बाद उच्च स्तर पर ले जाने की बात कही है। आइए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अंतिम खबर की ओर। राजस्थान में कोरोना के मरीज तेजी से 10,000 के करीब बढ़ रहे हैं। मंगलवार को प्रदेश में 273 संक्रमित मिले और 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में जयपुर के 2 और भरतपुर व कोटा का 1-1 शामिल है। प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 9,373 और मौतें 203 पर पहुंच गई। भरतपुर में सर्वाधिक 70 रोगी सामने आए और वहीं जयपुर में कुल 44 नए रोगी मिले। यहां के रामगंज इलाके में एक बार फिर कोरोना भड़क गया और 17 मरीज मिले। जयपुर के SMS अस्पताल में एक डॉक्टर समेत 24 कर्मी पॉजिटिव आए, इनमें सफाई आदि का काम करने वाले भी शामिल हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।